नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीबी केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी घटना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को हर साल आयोजित होता है। ये वैश्विक स्तर पर हर जगह अपने सभी रूपों में वैश्विक गरीबी को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज विशेष में बात करेंगे गरीबी उन्मूलन दिवस की, गरीबी की स्थिति और इसे दूर करने के प्रयासों, और कोरोना के बाद के हालातों में इससे निपटने में उपजी चुनौतियों की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। गरीबी जैसी समस्या के प्रति लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने का ये मौका होता है। इस दिवस के जरिए गरीबी में रह रहे लोगों के साथ सक्रिय साझेदारी से उन्हें गरीबी से बाहर लाने के प्रयास पर बल दिया जाता है। इसके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जाता है। आज के समय में गरीबी को दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। दुनिया में आर्थिक विकास, तकनीकी साधनों और वित्तीय संसाधनों की विशेषता के साथ करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। गरीबी सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक बहुआयामी समस्या है। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मकसद विश्व समुदाय में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस पर अलग अलग देश की ओर से गरीबी उन्मूलन के प्रयास को लेकर विभिन्न कार्यों और योजनाओं को जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाने के पीछे के इतिहास को जानना जरूरी है। इसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है 17 अक्टूबर 1987 से। इस दिन पेरिस में 1,00,000 लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। गरीबी, हिंसा और भुखमरी के शिकार लोगों के सम्मान में इतने सारे लोग पेरिस में जमा हुए थे। ये प्रदर्शन उस जगह पर हुआ था जहां पर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रदर्शन के लिए जमा हुए लोगों का कहना था कि गरीबी मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों के सम्मान के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। इसके बाद से ही हर तरह की पृष्ठभूमि, विश्वास और सामाजिक मूल के लोग गरीबों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हर साल 17 अक्टूबर को जमा होने लगे। इसके बाद 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प के जरिए हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाने का फैसला किया गया। इस तरह से 17 अक्टूबर गरीबों के संघर्ष को समझने का एक मौका देता है, उनके प्रति संवेदनशील होने का एक मौका है। ये दिवस गरीब लोग ही गरीबी से लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, इस भावना को भी समझने का भी मौका है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल एक थीम भी निश्चित किया जाता है। इस साल का थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। इस थीम के मायने हैं कि सामाजिक और पर्यावरण संबंधी न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए सभी को एक साथ काम करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि ये थीम सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरण संबंधी न्याय हासिल करने की चुनौती को संबोधित करेगा। गरीबी के कई पहलुओं को देखते हुए ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हम तब तक सामाजिक न्याय को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते जब तक इससे पर्यावरणीय अन्याय जुड़ा हुआ है। गरीबों की आय को बढ़ाने की दिशा में तो प्रगति हुई है, लेकिन गरीबी के दूसरे पहलुओं या आयामों को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना है। इनमें से एक पहलू है पर्यावरण का तेजी से बढ़ता प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में ये बताया गया है कि किसी एक विशेष कारण के चलते नहीं, बल्कि अलग अलग कारणों से लोगों को गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ता है। सिर्फ आय का साधन और आमदनी ही गरीबी का मुख्य कारण नहीं है। भोजन, घर, भूमि, स्वास्थ्य जैसे पहलू गरीबी के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए हमें गरीबी और भेदभाव को मिटाने की दिशा में अपने प्रयासों को तेज करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई अपने मानव अधिकारों का
पूरी तरह से उपयोग कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के कई देश बुरी तरह गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास एजेंडे का पहला लक्ष्य गरीबी के हर रूप को दुनिया के हर कोने से हटाना है। इस दिशा में तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, हालांकि कोरोना महामारी ने इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी की हालत में जीने को मजबूर है। दुनिया के हर 5 में से एक व्यक्ति प्रतिदिन सवा अमेरिकी डॉलर से भी कम में गुजारा कर रहा है। गरीबी हमारे दौर का तत्कालिक संकट बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से रोजाना 1.9 डॉलर यानी करीब 140 रुपए से कम कमाने वाले लोग गरीब की श्रेणी में आते हैं। 1990 के बाद से गरीबी में जीने वाले लोगों की संख्या में आधे से अधिक की गिरावट आई है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि अगर प्रयासों में कमी आई तो डर ये भी है कि जो लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं कहीं वापस उसी दलदल में ना फंस जाएं। दुनिया में युवाओं की हालत तो और भी खराब है। 2015 में दुनिया के कुल कामकाजी युवा आबादी में से 10% वैश्विक गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी। अगर हम इसे 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में देखें तो ये आंकड़ा 16% हो जाता है। दुनिया में हर दिन 18,000 बच्चे गरीबी से जुड़े कारणों से मरते हैं। 2030 तक गरीबी के हर रूप को हर जगह से मिटा देना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एजेंडे का पहला लक्ष्य है। इसमें सिर्फ 10 साल बचे हैं। हालांकि कोरोना महामारी से हालात और खराब होने की आशंका है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2 दशकों यानी 20 साल में ऐसा पहली बार होगा जब तमाम वैश्विक कोशिशों के बावजूद गरीबी दर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विश्व बैंक का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के अंत तक करीब 88 करोड़ से लेकर 1.15 अरब लोगों के गरीब होने के संकेत हैं। वहीं ये आंकड़ा 2021 तक 1.5 अरब तक पहुंच सकता है। कोरोना महामारी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बंद होने से ये हालात पैदा हो सकते हैं। विश्व बैंक ने साफ किया है कि हाल के दिनों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में दुनिया ने जो प्रगति की है उनमें से बहुत सारे प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के मुताबिक दुनिया के 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। सब सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में करीब 84.3% बहुआयामी गरीब लोग रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की 10% आबादी बेहद गरीब स्थिति में जी रही है। ये आबादी स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और साफ सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गरीबी के हर रूप को हर जगह से मिटाने के लिए सामाजिक संरक्षण के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बुनियादी सेवाओं की पहुंच बढ़ानी होगी। प्राकृतिक आपदाओं का असर सहने की क्षमता बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के संसाधनों और जीविका को भारी नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गरीबी किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और आम जनता के लिए सबसे बड़ी त्रासदी भी। हालांकि सरकार गरीबी उन्मूलन को लेकर बेहद गंभीर है और लगातार ऐसी नीतियों की को अमली जामा पहनाने के लिए प्रयासरत है जिससे देश से गरीबी का कलंक जड़ से मिट जाए और समाज का सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। गरीबी हटाने के प्रयास तो स्वतंत्र भारत की सभी सरकारों ने किए, लेकिन अक्सर वो दिशाहीन दिखे। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबी हटाने के कार्यक्रमों में नई सोच और नए प्रयासों को सम्मिलित किया, जिसके परिणाम अब दिख रहे हैं। 20 मई 2014 नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद जब लोकतंत्र के मंदिर के प्रवेश द्वार पर माथा टेका, उनकी नजर उस इंसान पर गई जो देश में सबसे पिछड़ा था, गरीब था। नरेंद्र मोदी ने उसी समय अपना लक्ष्य तय कर लिया था। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए।
और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है और इसलिए हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। दरअसल बीते 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए एक के बाद एक कई योजनाओं की शुरुआत की। इन अभियानों का सकारात्मक असर ये देखने को मिला कि इनके लागू होने से देश में गरीबी साल दर साल कम हो रही है। गरीबी हटाने के कार्यक्रम में सबसे बड़ी बाधा आ रही थी कि सरकारें पैसा तो खर्च कर रही थी लेकिन वो धन गरीबों तक पहुंच नहीं रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस समस्या का हल खोजा। अगस्त 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की। इसके तहत करोड़ों लोगों खासकर गरीबों के खाते खोले गए। मकसद था बिना किसी बिचौलिए के सरकारी सहायता सीधे उनके खाते में जाए। इसने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद की। 19 अगस्त 2020 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल 40 करोड़ 35 लाख खाते खोले जा चुके थे। 28 अगस्त 2020 को इस योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पहल बदलाव लाने वाली रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना बिना खाते वालों को बैंक से जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। ये पहला महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाली रही। गरीबी उन्मूलन की कई पहलों की नींव साबित हुई और इसने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया। मई 2015 में केंद्र सरकार ने गरीबों को भी बीमा का लाभ दिलाया और दो योजनाएं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की, जिसमें PMJJBY के लिए ₹330 और PMSBY के लिए ₹12 का वार्षिक प्रीमियम देना पड़ता है। यानी मात्र ₹340 में गरीबों को दुर्घटना या मृत्यु होने की दशा में 2 से 4 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार सृजन करना। इस योजना के तहत देश भर की करीब 15 करोड़ महिलाओं को गारंटी युक्त ऋण हासिल हो चुका है। देश में खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी। खासकर गरीबों की बस की बात नहीं थी कि वो शौचालय का निर्माण करा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति अभियान शुरू किया गया। साल 2014 में जब ODF यानी खुले में शौच से मुक्ति अभियान शुरू किया गया, तब 5 सालों में देश में 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन लगातार प्रयासों के चलते ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल हो गया। 2 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। सरकार ने साल 2022 तक सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। यह योजना शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए बनाई गई है। यह योजना पूरे देश में लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। योजना की सबसे खास बात सरकार की ओर से दी जाने वाली 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है, जो प्रोत्साहन का काम करती है। एक गरीब के लिए बीमार होना सबसे बड़ा सदमा होता है। जब वो बीमार होता है तो न उसके पास पैसे होते हैं और न ही रोजगार के लिए वो जा पाता है। ऐसी स्थिति के लिए अब उसे परेशान नहीं होना पड़ता है। सरकार ने गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश भर के
10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है। इसमें सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटी से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें अकुशल शारीरिक कार्य के लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब व्यक्ति की जीविका के साधन को मजबूत करना है। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए रोजी रोटी का सहारा बन रही है। सरकार द्वारा शुरू किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। गरीबी केवल आर्थिक पहलू से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके साथ स्वास्थ्य, भूमि, आवास, स्वच्छता आदि अनेक मुद्दे जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत गरीबी से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गरीबी कैंसर की तरह होती है, इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं, कई बीमारियां होती हैं। कुछ लोग शिक्षा के मामले में गरीब हैं, कुछ सेहत से गरीब हैं और कुछ आर्थिक रूप से गरीब हैं। हालांकि पिछले कुछ साल में सरकार के अथक प्रयासों से देश में गरीबी काफी कम हुई है, लेकिन अब भी गरीबी खत्म करने की राह में कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। गरीबी किसी भी देश के समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होती है। गरीबी की वजह से समाज के कई तबके विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, लिहाजा इससे कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। दरअसल गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन जीने के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, और इन बुनियादी जरूरतों में शामिल हैं रोटी, कपड़ा और मकान। भारत में गरीबी की बात करें तो पिछले कुछ सालों में गरीबी दूर करने की दिशा में अच्छे प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब भी करीब 22% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। दरअसल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई तो उसने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। अपने वादे पे काम करते हुए सरकार ने गरीबी कम करने के कई प्रयास किए, जिससे गरीबी समय के साथ कम होती रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जुड़ी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुआयामी गरीबी से निकलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में देखी गई। इसके मुताबिक साल 2005-06 से साल 2015-16 के बीच करीब 27.3 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने में सफल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005-06 में भारत में 55.1% लोग बहुआयामी गरीबी के अधीन थे, जबकि साल 2015-16 में यह स्तर घटकर 27.9% रह गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत और निकारागुआ ने पिछले 10 और 10.5 सालों के दौरान बच्चों के बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी आधा कर लिया। इसके साथ ही भारत, बांग्लादेश और नेपाल उन 16 देशों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे तेज गति से MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को कम किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की निगरानी करने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक निगरानी फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 1, जो गरीबी को उसके सभी रूपों में हर जगह से खत्म करने पर बल देता है, उसके अनुरूप है। हालांकि साल 2017 में नीति आयोग ने देश में गरीबी दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था। इसमें साल 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना बनाई गई थी। इस डॉक्यूमेंट में गरीबी दूर करने के लिए 3 चरणों में काम करने की बात कही गई थी। इसके तहत गरीबों की गणना यानी देश में गरीबों की संख्या का पता लगाया जाए, गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं लाई जाएं,
और लागू की जाने वाली योजनाओं की निगरानी की जाए। हालांकि तमाम कोशिशों और उपलब्धियों के बावजूद गरीबी मिटाने की राह में अब भी कई चुनौतियां हैं। भारत की अधिकांश गरीब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले राज्यों में निवास करती है। गरीबी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। महिलाओं के पास संसाधनों तक सीमित पहुंच होती है, चाहे वो खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा हो या स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच या संपत्ति हो। तेजी से होते शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियां भी गरीबी को दूर करने में बड़ी बाधा हैं। घर, बुनियादी ढांचा, रोजगार, अन्य आर्थिक अवसरों और सेवाओं में मांग आपूर्ति अंतर लगातार बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।